हाय फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की आपस में बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि टाटा स्टील अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आपने टाटा स्टील अप्रेंटिस का फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे टाटा स्टील की, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले आपको अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी हो चुका है, अब तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी लोगों को इस फॉर्म को भरने को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी लोगों को पेमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थी, काफ़ी लोगों का पेमेंट फंस भी रहा था और काफ़ी लोगों का पेमेंट हो ही नहीं रहा था। तो सब कुछ मैंने अपने पुराने वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करवाया था, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सत्या गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ पेमेंट वगैरह को लेकर के, फाइनली सभी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के पास टाटा स्टील की तरफ से एक मेल आया है। अब उस मेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। तो ये एक मेरा पुराना वीडियो था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी मारा था, मैंने भी टाटा अप्रेंटिस ये फॉर्म फिलअप किया था 2021 का। तो यहाँ पर आपके सामने आपका रेफरेंस नंबर आपके पास ज़रूर होगा, तो ये मेरा रेफरेंस नंबर था जो कि मैंने फिल किया। बाकी बात जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो आपके ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी फॉर्म भरते समय दिया है उस पर आपको सारी जानकारियाँ सेंड कर दी जाएंगी। तो आप अपने आपने अपना रेफरेंस नंबर ज़रूर नोट डाउन करके रखा होगा। अगर नहीं भी रखा है तो आप अपने मेल आईडी को खोल लीजिएगा, वहाँ पर आपको SNTI करके एक मेल दिखेगा, उसमें आपका रेफरेंस नंबर लिखा होगा। तो फाइनली हम लोग आज इस वीडियो में, मैं आपको पहले बताया कि हमारा जो मेन पर्पस है वो एक मेल के बारे में बात करना है। काफ़ी लोगों को उस मेल को लेकर के प्रॉब्लम है कि पता नहीं ये मेल क्या है, जेन्युइन है या फर्जी तो नहीं है, इस पर हमको अपना फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह वेरिफिकेशन सही है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस मेल का जो टाइटल है आपको देखने को मिलेगा ईमेल वेरिफिकेशन। जी हाँ, ये आपके मेल का वेरिफिकेशन मेल करके आया होगा। और ये मेल जो है अगर आप देखेंगे भेजने वाले का, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा amit.tiwari@tatastill.com। उसके बाद भेजने वाले का नाम भी आपको दिख रहा होगा अमित कुमार तिवारी। यहाँ पर आपको लगभग 16, 17, 18, 19 इसी तरीके का डेट में आपको ये मेल आया होगा। तो किसी कारण की वजह से मैंने अपना वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो जैसे मुझे समय मिला मैं इस पर एक अपना वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको यहाँ पर लगभग लगभग 6 आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जैसे मैं आपको अगर इस पॉइंट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले वाले कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई है कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर पेमेंट TA एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड यू विल बी अलाउड टू अपियर इन रिटन टेस्ट। जी हाँ, आपका जो भुगतान है, जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था, वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद अगर सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो दिस मेल इज़ फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ योर ईमेल आईडी सो दैट टाटा स्टील कैन कॉन्टैक्ट यू ओवर दिस ईमेल आईडी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन या फ्यूचर कम्युनिकेशन टू द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, कि ये मेल आईडी जो है वो आपको आपके वेरिफिकेशन के लिए है, ताकि टाटा स्टील से संबंधित किसी भी फ्यूचर कम्युनिकेशंस के लिए आपसे इस मेल आईडी के थ्रू टाटा स्टील आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, इसलिए ये आपको मेल भेजा गया है। उसके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो फॉर इन टू इन वेरिफिकेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक एज ए कन्फर्मेशन ऑफ योर मेल रिसिप्ट। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि लास्ट से लास्ट, अंत से अंत तक सत्यापन के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे मेल प्राप्त होने के बाद नीचे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है।
तो वो लिंक भी मैं आपको बता दूंगा क्लिक करना है या नहीं करना है। उसके बाद अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो इट इज़ मैंडेट टू क्लिक ऑन द बिलो लिंक एंड फिल द फॉर्म करेक्टली। तो इसका मतलब हुआ 4 नंबर का नीचे दिए लिंक पर आपको क्लिक करना है और फॉर्म को सही ढंग से भरना अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद 5वें नंबर की बात करेंगे तो डू नॉट शेयर दिस लिंक विथ एनी बॉडी एल्स योर कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसल्ड। तो आपको जो भी लिंक नीचे दिया गया है इस लिंक को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये आपका पर्सनल मेल आया हुआ है तो आप इसको किसी के साथ शेयर ना करें। उसके बाद अगर 6ठे नंबर की बात करेंगे तो ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी डन इन इंग्लिश। तो अगली बार जो भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा टाटा स्टील की तरफ से तो वो आपको इंग्लिश में बताया जाएगा, जानकारी इंग्लिश में दी जाएगी। अब 7वें नंबर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। जी हाँ, लिंक आपको यहाँ पर देख सकते हैं, HTTPS करके आपको ये लिंक मिलेगा, forms.office.com पेजेस रिस्पॉन्स पेज करके यहाँ पर आपको ये लिंक देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों में ये लिंक जो है इस ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा होगा और काफ़ी लोगों में ये लिंक हो सकता है कि ऐसे नॉर्मली दिख रहा होगा। ये लिंक है आपका, इस लिंक को अगर आपका हाईलाइट हो रहा तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे। अगर वो हाईलाइट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर इस पर रखेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी, या आप राइट क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउज़र के न्यू टैब में ओपन कर लेना, जिस भी ब्राउज़र का आप यूज कर रहे हो उसका न्यू टैब ओपन करेंगे और वहां पर इसको सर्च करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं एक नया ब्राउज़र ओपन किया और यहां पर मैं उस लिंक को पेस्ट कर देता, Ctrl+V करेंगे और वो लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए आपके सामने एक आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल केसेस, जिनका भी पेमेंट सक्सेसफुल हुआ उसी केसेस के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो डू नॉट मिस्टेक इन फिलिंग दिस फॉर्म, आपको ये फॉर्म को मिस्टेक नहीं करना है, सही सही फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा, इनेबल इमर्सिव रीडर आप इसको छोड़ देंगे, ये आपको रहने देना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट, देखिए यहाँ पर स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क है तो आपको ये फॉर्म को फिलअप जरूर करना है, तो सावधानी से फिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डू यू नो योर रेफरेंस नंबर, आप अपना रेफरेंस नंबर जानते हैं? हाँ, आपके पास आपका रेफरेंस नंबर है, मैंने आपको दिखाया था मेल पे आपका SNTI करके रेफरेंस नंबर आया होगा। वो रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा मेल है एक जेन्युइन मेल है, जो कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पिछले बार काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, काफ़ी लोगों का मेल नहीं आया था एडमिट कार्ड, तो इस वजह से इस बार पहले वेरीफाई कर लिया जा रहा है कि आपका मेल सही है। तो आपको ये आपका तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके मेल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपके मेल पर सेंड किया जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट आप सभी को मालूम ही है, तो एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले आपके मेल पे आपका एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो आप अपने मेल को कंटिन्यूअसली चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे 2nd नंबर में आपकी संदर्भ संख्या, यदि आप नहीं जानते हैं तो इस प्रश्न को छोड़ दे। तो आपका जो भी रेफरेंस नंबर है अगर आपके पास वो है तो आप उसको यहाँ पर भरेंगे, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। तो रेफरेंस नंबर आपने ऊपर डाला है कि आपके पास है तो आपको यहाँ पर उसको फिल करना, अगर आप यहाँ नहीं करते तब आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने रेफरेंस नंबर को आप डालें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना रेफरेंस नंबर इंटर कर लिया है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर विच हैज़ मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपने फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दिया है वही सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है नीचे वाले कॉलम में। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो 4th नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा इंटर योर वैलिड ईमेल आईडी व्हिच हैज़ मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म भरते समय आपने जो भी अपना ईमेल आईडी दिया था, जिस पे भी आपको ये मेल आया है उसी मेल आईडी को आपको यहाँ पर इंटर करना है, आप किसी दूसरे मेल आईडी को यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। ईमेल आईडी इंटर कर लेने के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेरेशन ऑन यस बटन टू कन्फर्म दैट यू रिसीव दिस मेल ऑन योर मेल आईडी। तो आपके मेल आईडी पे ये मेल आया हुआ है तो आप कन्फर्म है तो आप इसको यस बटन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल केसेस में आपको यहाँ पर दिख जाएगा थैंक्स योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड। तो आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो चुका है, तो आप ये फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। यहाँ पर ऐसी कोई भी जानकारियाँ नहीं मांगी जा रही हैं, जो आपको देने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पूरे फॉर्म को फिल करें। ये फॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है, टाटा स्टील की तरफ से भेजा गया है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में, या आपके पास ये मेल नहीं आया, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि टाटा स्टील का नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको अपने चैनल पर बहुत जल्द लेकर के आऊँ। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।